अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हशाशीन के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। हशाशीन एक दहशत पसंद और खुफिया जमात थी जिसकी बुनियाद इस्माइली फ़िरके के हसन बिन सबाह ने रखी थी। उनका मरकज़ उल मौत में किला उल मौत था। इस जमात का खात्मा हलाकू खां के हाथों हुआ, जिसने किला उल मौत को फतह करके हसन बिन सबाह के आखिरी जानशीन रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और हज़ारों फिदाइयों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि इस जमात के फिदाई हमेशा जहर आलूद खंजर से मसले रहते, चनाचा इनका शिकार मामूली सा जख्म होने की सूरत में भी जिंदगी से हाथ धो बैठता था और हमला आवर गिरफ्तारी से बचने के लिए इसी जहरीले खंजर से खुदकुशी कर लेता। कई जलील कद्र उलमाए आलाम हुकूमती आमाल हत्ता के उमरा वज़रा उनका शिकार बने। वजीर निज़ामुद्दीन मुल्क कुद्दूसी को भी उन्हीं के एक साथी ने कत्ल किया। उनका नेटवर्क तमाम अमराव वज़रा समेत खलीफा के महलात तक फैला हुआ था। यही वजह थी कि ये लोग खौफ की दहशत की अलामत बन गए। हशाशीन पर एक वीडियो गेम भी तैयार की गई थी जो 13 नवंबर 2007 में रिलीज़ हुई, जिसका नाम असेसिन क्रेड है। इसमें हशाशीन सारे आम लोगों का कत्ल करते दिखाई देते हैं। हशाशीन की इब्तदा 1080 के लगभग के शवाद मिलते हैं। हशाशीन के माखिज के बारे में मालूम हासिल करना एक दुशवार काम है, क्योंकि ज़्यादातर मालूम उनके मुखालफी के हवाले से हैं। और 1256 ईस्वी में हलाकू खान के हाथों किला उल मौत की फतह के वक्त इस तंजीम के बारे में मालूम भी ज़ाय हो गई थी। अलबत्त हसन बिन सबाह के इस तंजीम के बानी होने के बारे में शवाद हैं। हसन बिन सबाह की तंजीम में दर्जा बंदियाँ थीं और इसके अदबी कारकुनान जिनको महलुक कातलों के हैसियत से तरबियत दी जाती थी उन्हें फिदाई कहा जाता था, जो हशाशीन के नाम से मशहूर थे। यही लफ्ज़ हशाशीन अंग्रेजी लफ्ज़ असैसिन की बुनियाद है। तंजीम के हशाशीन नाम की वजह यह थी कि हसन बिन सबाह अपने फिदाइयों को हशीश पिला कर उन्हें फिरदौस की सैर कराता था जो उसने किला उल मौत में बनाई थी। इसके बाद उन फिदाइयों से मुखालफीन को कत्ल कराया जाता था। 1174 ईस्वी में इस वक्त के हशाशीन हुक्मरान तीनान ने सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करवाया। ये हमला नाकाम हुआ। बाद अजां 1176 में दोबारा हमला किया गया, मगर इस बार हमला अलामती था। इसका मकसद सलाहुद्दीन अयूबी को हशाशीन किले पर हमले से रोकना था। एक फिदाई सलाहुद्दीन के खैमे में दाखिल हुआ और बिस्तर के करीब फलों के साथ एक खंजर रख दिया और एक खत जिसमें धमकी थी कि अगर इसने किले पर हमले का इरादा तर्क न किया तो अगली बार वो इसे कत्ल करने में कामयाब हो जाएंगे।